नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। जनहित मतलब जनता के लिए, जनता का जनता से जुड़ा हुआ टीवी शो। जनहित मतलब समाज का, आपका, पूरे राष्ट्र का शो। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनहित, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज खबरों के मेन्यू में क्या क्या खास है। जनहित में सबसे पहले बात अतीत बन चुके अनुच्छेद 370 की, जिस पर आज बीजेपी की त्रिमूर्ति ने फुल स्टॉप लगा दिया है। साफ कह दिया कि अलगाववाद की यह धारा कभी भी वापस नहीं होगी। यहां तक भी कहा कि चार पुश्तें बीत जाएंगी, 370 वापस नहीं ला पाओगे। जनहित में आगे आपको बताएंगे कैसे आज महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस समेत महाविकास अघाड़ी के सामने पहली रैली में मास्टर स्ट्रोक का इस्तेमाल किया। एक ऐसा दांव जिसके चले जाने के बाद अब कांग्रेस बेहद सावधान हो गई है। क्या है नरेंद्र मोदी का वो मास्टर स्ट्रोक, आपको बताने वाले हैं। इसके बाद आपको लेकर चलेंगे वायनाड। क्या प्रियंका गांधी को जिताने के लिए कांग्रेस ने प्रतिबंधित जमात इस्लामी को ठेका दिया हुआ है। केरल के मुख्यमंत्री और इंडिया अलायंस के नेता पी विजयन ने यह आरोप लगाया है। इसके बाद एक इंटरनेशनल अपडेट देंगे। अमेरिका और रूस की रंजिश क्या बीते जमाने की बात होने वाली है। पुतिन के डोनाल्ड ट्रंप से प्रेम के पीछे क्या गेम हो सकता है, क्या है ये केमिस्ट्री, इसके बारे में भी देंगे जानकारी। और सबसे आखिर में यूपी महिला आयोग के एक फैसले की खबर देंगे। यूपी में लेडीज टेलर के लिए महिलाओं का नाप लेना अब मना हो गया है। ऐसे और कितने फैसले हुए हैं उनकी डिटेल भी आपके सामने रखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और जनहित में आज सबसे पहले बात अनुच्छेद 370 की। कल ही जम्मू कश्मीर विधानसभा में एक प्रस्ताव आया कि अनुच्छेद 370 वापस चाहिए, 35 से वापस चाहिए। एक तरह का सीन बना दिया गया कि 370 वापस लाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। और आज केंद्र सरकार का जवाब भी सामने आ गया। जवाब यह आया है कि 370 वापस लाने वाली तारीख अब कभी नहीं आएगी। 370 के मुद्दे पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज गर्मा गर्मी देखी गई, बिल्कुल कल की तरह। लेकिन इस गर्मी पर आज महाराष्ट्र से ठंडे छींटे भी मार दिए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह आज दोनों महाराष्ट्र में थे। दोनों ने साफ साफ शब्दों में कहा कि अब दुनिया की कोई भी ताकत जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 वापस नहीं ला सकती। चार पुश्तें भी चाह लेंगी तो भी 370 की वापसी अब नहीं हो सकती। यही आक्रामकता यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दिखाई है। मोदी और शाह ने महाराष्ट्र के चुनावी माहौल में 370 पर आक्रामक तेवर दिखाकर कांग्रेस को भी घेरने की कोशिश की, क्योंकि 370 नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का एजेंडा है और कांग्रेस इनके सहयोगी होते हुए भी इससे बच बच कर निकलते हुए आगे बढ़ रही है, ताकि 370 पर उसकी कोई भी हां या ना उसकी सियासत पर भारी ना पड़ जाए। अनुच्छेद 370 एक ऐसा मुद्दा है जिसका विरोध करके कांग्रेस पर जम्मू कश्मीर से लेकर 370 का समर्थन करने वाले अपने वोट बैंक को खोने का बड़ा खतरा है। तो वहीं दूसरी ओर 370 पर समर्थन जताकर उसे देश में राष्ट्र भावना से जुड़े और हिंदू वोट बैंक के छिटकने का भी डर है। इसीलिए 370 के मुद्दे पर कांग्रेस पूरी तरह से तटस्थ की भूमिका में दिखाई देना चाहती है। पहले देखिए 370 के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कैसे सिर्फ कश्मीर की दो पार्टियों को ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया अलायंस को आज जबरदस्त तरीके से घेरा। कांग्रेस वाले तुम कश्मीर में कुछ नहीं कर पाओगे। आपकी चार पुस्तें भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं। धारा 370 तो समाप्त हो चुका है, अब फिर से कश्मीर में कभी लागू नहीं हो सकता। कब कौन सा तीर सियासत के किस युद्ध क्षेत्र में कैसे चला जा सकता है, उसे टीम मोदी बेहतर तरीके से जानती है। और देखिए चुनाव महाराष्ट्र में हो रहा है और नरेंद्र मोदी के सियासी बटालियन ने तीरों का चयन किया जम्मू कश्मीर से, वो भी सबसे घातक 370 वाला। जम्मू कश्मीर में 370 पर बवाल के बीच उसी बवाल को सियासी प्रत्यंचा पर चढ़ाकर नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के धुले में कांग्रेस पर सीधे सीधे प्रहार किया। और जब तक मोदी पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, कांग्रेस वाले तुम कश्मीर में कुछ नहीं कर पाओगे। दुनिया की कोई ताकत अब कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती।
नरेंद्र मोदी की 370 वाली धार को और पैना किया गृह मंत्री अमित शाह ने। शाह महाराष्ट्र का सियासी संग्राम जीतने के लिए सूबे में रैलियां कर रहे हैं। ऐसे में पीएम के पीछे पीछे अमित शाह ने भी महाराष्ट्र की धरती से विरोधियों को 370 पर खुला चैलेंज दिया कि 370 तो अब भूल ही जाइए। तो दूसरी तरफ यूपी में योगी आदित्यनाथ ने उसी 370 पर कांग्रेस के साथ साथ अखिलेश यादव को भेद दिया है। कांग्रेस, एनसीपी, नकली शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी, ये कहते हैं कश्मीर में धारा 370 नहीं हटनी चाहिए। शरद पवार साहब, आपकी चार पुस्तें भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं आने देंगे। उस प्रस्ताव को देखा होगा जिसमें उन्होंने कहा है कि हम कश्मीर के अंदर धारा 370 को फिर से बहाल करेंगे, यानी आतंकवाद की जड़ जो धारा 370 है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। 370 मोदी सरकार का वो हथियार है जिसका हिंदुस्तान की जनता ने खुलकर इस्तकबाल किया, जश्न मनाया, मोदी को बधाई दी। जाहिर है विपक्ष के पास इसकी काट आसान नहीं थी, लिहाजा इंडिया गठबंधन ने महाराष्ट्र के अंदर 370 वाले बयान की प्रासंगिकता पर सवाल उठा दिए। पूछा, चुनाव महाराष्ट्र में तो जिक्र जम्मू कश्मीर का क्यों? डर से बौखलाए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी इधर उधर की बातें कर रहे हैं, जिसका ना सिर है ना पैर है। महाराष्ट्र में आए हो, महाराष्ट्र की बात करो। हालांकि उसी महाराष्ट्र में 370 पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना धर्म संकट में है। वो 370 पर अपनी सहमति भी जता रही है और साथियों वाली मजबूरी भी किना रही है। बाळासाहेब ने उस वक्त जो स्टैंड लिया था वो ये सब चीजों को देख के लिया था कि अगर ये 370 कलम अगर कैंसिल होता है तो इतनी सब चीजें कश्मीरी जनता को मिलेगी, अगर वो मिलती नहीं है तो फिर उसके ऊपर हमको सोचना होगा। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 के हंगामे को बीजेपी ने महाराष्ट्र से लेकर यूपी में चुनावी हथियार बना दिया है। विपक्ष इसे न जात में गिना सकता है न धर्म में, वो धर्म संकट में है। इस हथियार के जवाब में विपक्ष का तर्कश फिलहाल तो खाली नजर आ रहा है। अब कांग्रेस पूछ रही है कि महाराष्ट्र के प्रचार में 370 की बात करने का क्या मतलब है, तो आप इसकी टाइमिंग और ट्यूनिंग समझें। अनुच्छेद 370 बीजेपी के लिए राष्ट्रवाद का भावनात्मक मुद्दा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को तो वो पहले ही जवाब दे चुकी है, लेकिन अब दरअसल कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी की बाकी दोनों पार्टियों का स्टैंड वो उनसे उगलवाना चाहती है। बड़ी परेशानी कांग्रेस के लिए है, अगर हां बोलती है तो भी फंसना है, ना बोले तो भी फंसना है। इधर महाराष्ट्र में चुनाव में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार उतरे, लेकिन उतरते ही उन्होंने उन्हीं ब्लैक होल्स पर सबसे ज्यादा प्रहार किए जिनके कारण महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ गया था। उस नुकसान से उबरने के लिए प्रधानमंत्री ने विरोधियों पर सारे हथियार का इस्तेमाल किया, जैसे ओबीसी कार्ड, दलित कार्ड, संविधान कार्ड, अनुच्छेद 370। इनमें से 370 वाले कार्ड के बारे में आप पहले ही जान चुके हैं, लेकिन ओबीसी, दलित और संविधान वाले कार्ड से महाराष्ट्र के सियासी समर में बड़ा उबाल आ चुका है। मोदी ने नासिक की रैली से ओबीसी और दलित वाला बड़ा कार्ड खेला। पहले प्रधानमंत्री का बयान सुनिए। ओबीसी से नफरत करती है, आज ओबीसी समाज का एक व्यक्ति लगातार 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद लेकर तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बना है। कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा है, ओबीसी, वो भी इतनी छोटी जाति का, वो कैसे प्रधानमंत्री बन गया? प्रधानमंत्री का यह बयान आपने सुन लिया। दरअसल आज मोदी पूरी लाइन लेंथ वाली स्क्रिप्ट के साथ मैदान में उतरे। दलित और ओबीसी के बाद उन्होंने सीधे संविधान वाले मुद्दे पर चोट की। ये वही मुद्दा है जिसके सहारे राहुल गांधी यूपी और महाराष्ट्र की लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी चोट पहुंचा चुके हैं। साथियों, कांग्रेस और इसके साथियों को न बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान की परवाह है, न कोर्ट की और न ही देश की भावना की। ये सिर्फ दिखावे के लिए जेब में खाली पन्नों वाले संविधान की किताब लेकर घूमते हैं।
प्रधानमंत्री का यह बयान राहुल गांधी के उस हमले का जवाब था जो राहुल ने संविधान की किताब लेकर नागपुर में बीजेपी पर किया था। आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग इस पर आक्रमण करते हैं तो सिर्फ इस किताब पर नहीं कर रहे हैं आक्रमण, वो हिंदुस्तान की आवाज पर आक्रमण कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, सरकार के अलग अलग संस्थाएं बनती हैं, इलेक्शन कमीशन बनता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, ये नहीं होता, तो इलेक्शन कमीशन नहीं होता। राजाओं महाराजाओं के पास इलेक्शन कमीशन नहीं होता था। प्रधानमंत्री मोदी के पीछे पीछे संविधान वाला तीर गृहमंत्री अमित शाह ने भी चल दिया। शाह ने कोरे कागज के मुद्दे पर राहुल गांधी को जमकर घेरा। प्रचार का मुद्दा नहीं है राहुल बाबा, संविधान फेथ है, विश्वास का मुद्दा है। संविधान के नाम पर वोट मांगते हो और जालसाजी करते हैं लोग। महाराष्ट्र में एक सभा में संविधान की प्रतियां बांटी, ऊपर का कवर पेज तो ठीक था मगर अंदर खाली चौपड़ी थी, कोरी चौपड़ी थी। बोलिए, राहुल गांधी पर सीधा वार हुआ तो पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जवाब देने के लिए फ्रंट फुट पर आ गए। खड़गे संविधान के साथ मनुस्मृति का जिक्र भी लेकर आए। क्या कुछ उन्होंने लिखा वो आपको बताते हैं, फिर आपको बताएंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। सबसे पहले जानिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी सोशल मीडिया की पोस्ट में आज क्या बातें कही हैं। उन्होंने लिखा कि बीजेपी को संविधान से इतनी नफरत क्यों। खड़गे ने पूछा ये सवाल असम के सीएम और मोदी से पूछ रहे हैं और बीजेपी आरएसएस संविधान को नक्सलवाद से जोड़कर क्या देश में मनुस्मृति लागू करने का अपना पराजित एजेंडा लाना चाहते हैं। वो यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने आगे लिखा बीजेपी आरएसएस के नेता ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि संविधान सभी को बराबरी का हक देता है और दलित आदिवासी पिछड़े अल्पसंख्यक गरीब वर्गों को शक्ति प्रदान करता है। आखिर खड़गे ने मनुस्मृति वाला बयान क्यों दिया, तो इसके पीछे है महाराष्ट्र में आरक्षण के जातिगत आंकड़े। महाराष्ट्र में 12% दलित हैं, 38% ओबीसी, 9% आदिवासी और 28% मराठा समाज के लोग। ये सभी आरक्षण के घेरे में हैं या आरक्षण के घेरे में और बढ़ाने से इन्हें फायदा हो सकता है। संविधान वाले मसले से कांग्रेस इसी हिस्से में खुद को असरदार दिखाकर बड़ा समर्थन जुटाना चाहती है, लेकिन बीजेपी भी संभल संभल कर खेल रही है। ये दोनों ही पार्टियां जानती हैं कि 87% के इस हिस्से का ज्यादा हिस्सा जिस तरफ जाएगा वही महाराष्ट्र का किंग बन जाएगा। उधर बाला साहब ठाकरे को गुजरे 12 साल हो चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत आज भी उनका नाम लिए बगैर आगे नहीं बढ़ती। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और दांव खेला, बाला साहब का नाम लेकर उद्धव ठाकरे और कांग्रेस को आमने सामने खड़ा कर दिया। पहले धुले में छत्रपति शिवाजी महाराज और बाबा साहेब अंबेडकर को नमन, फिर नासिक में महाअघाड़ी को बाला साहेब ठाकरे वाला चैलेंज। युवराज के मुंह से बाला साहेब ठाकरे की, उनकी विचारधारा की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करके दिखाएं। महाराष्ट्र की धरती पर पीएम मोदी आज सोशल इंजीनियरिंग के फुल स्विंग वाले सियासी मूड में दिखे। मोदी ने आज मराठी अस्मिता, सोशल इंजीनियरिंग और हिंदुत्व का चक्रव्यूह रचा। कल मुंबई में एमवीए की रैली में उसके नेताओं पर शिवाजी की प्रतिमा के अपमान का आरोप लगा था। धुले की रैली में मोदी ने शिवाजी को पुष्प अर्पित करके मराठा वोटर्स को संदेश दिया। धुले से नासिक पहुंचकर प्रधानमंत्री ने फिर से मराठा वोटरों को जगाया। उन्होंने बाला साहेब ठाकरे को याद करते हुए एक सवाल की गेंद कांग्रेस और उद्धव के पाले में डाल दी। मैं आघाड़ी में कांग्रेस के दोस्तों को ये भी चुनौती देता हूं, वो कांग्रेस के नेताओं से, युवराज के मुंह से बाला साहब ठाकरे की, उनकी विचारधारा की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करके दिखाएं। गृहमंत्री अमित शाह भी आज महाराष्ट्र में थे। कोल्हापुर में उन्होंने भी कांग्रेस और उद्धव के रिश्तों की दुखती रख छेड़ी। शाह ने भी कहा कि बाला साहेब के वंशज सत्ता के लिए कहां तक गिर गए। उद्धव ठाकरे जी, आप
बाला साहब ठाकरे की दुहाई देते हो। आपको शर्म आनी चाहिए, राम मंदिर का विरोध करने वालों के साथ आप खड़े हैं, औरंगजेब की कबर को स्मारक बनाने वालों के साथ आप खड़े हैं। ये पहला विधानसभा चुनाव है जब शिवसेना दो खेमों में बटी हुई है। दोनों ही असली शिवसेना होने का दावा करती है। उद्धव को ठाकरे सरनेम से आस है तो शिंदे का दावा है कि कांग्रेस से दूरी रखने के बाला साहेब के असली उसूल वो ही निभा रहे हैं। मोदी और शाह ने महाअघाड़ी में बाला साहेब वाली वैचारिक दीवार खड़ी की तो उद्धव की शिवसेना से इस पर कोई जवाब नहीं आया। वहीं कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी का महाअघाड़ी को लड़ाने का अंदाज वो खूब समझती है लेकिन ऐसा होगा नहीं। बाला साहेब ठाकरे जी के विचारों के बारे में इतना अगर आपको ये है, सोच है आपकी, तो उनकी पार्टी को तोड़ा क्यों आपने? बहरहाल मराठा वोटर्स को खींचने की इस रेस में आज राम मंदिर का भी जिक्र आया। नासिक में प्रधानमंत्री याद दिलाना नहीं भूले कि राम मंदिर के उद्घाटन से पहले वो काला राम मंदिर आए थे। ये भी याद दिला दिया कि राम मंदिर बाला साहेब का सपना था। ये बताने की बात नहीं कि सपना किसने पूरा किया और कौन लोग हैं जो इसमें रुकावट डालने वालों के साथ खड़े हैं। महाराष्ट्र के चुनाव में बस 12 दिन बाकी रह गए हैं। हर दिन के साथ शब्दों के तीर तेज होते जा रहे हैं। आज जलियांवाला बाग की भी एंट्री हो गई। आज दो बड़े नेताओं को जनरल डायर तक बता दिया गया। जैसे जैसे महाराष्ट्र में चुनाव की तारीख पास आ रही है, महायुति और महाविकास अघाड़ी में शब्दों की जंग और तीखी होती जा रही है। इसी जंग में एनसीपी शरद पवार ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को जनरल डायर बता दिया। शरद पवार के पोते रोहित पवार ने कहा, फडणवीस ही महाराष्ट्र के सबसे बड़े विलन है। चक्रव्यूहा मध्ये आज जाऊ शकता पण सामान्य लोकांना चक्रव्यूहातून बाहेर काढू शकता का? अजिबात नाही। महागाईचं चक्रव्यूह बाहेर काढू शकतात का देवेंद्र फडणवीस? अजिबात नाही। बेरोजगारीचं चक्रव्यूह बाहेर काढू शकतात का देवेंद्र फडणवीस? अजिबात नाही। अभिमन्यू मात्र नाही पण तुम्ही नक्कीच या नवीन युगाचे जनरल डायर आहात। रोहित पवार को फडणवीस की तरफ से बीजेपी ने जवाब दिया। महाराष्ट्र में 13 साल पहले पावल गोलीकांड की याद दिलाते हुए कहा कि असली जनरल डायर तो शरद पवार है। शरद पवार सत्ता में होते हुए पानी मांगने वाले मावल के मेरे किसान बहनों भाइयों पर आपने गोलियां चलाई थी, किसानों की जान ली थी। आज तक उन किसानों को न्याय नहीं मिला है। जनरल डायर की असली औलाद तो आप लोग हैं। चुनाव में आदर्श स्थिति तो ये है कि बात मुद्दों पर होनी चाहिए लेकिन वोटिंग में 12 दिन है, पर्सनल अटैक रुक नहीं रहे हैं। इसी चुनाव में एक बड़े नेता को दूसरा बड़ा नेता तरबूज तक बोल चुका है। और अब आपको दिखाते हैं यूपी की चुनावी गर्मी। मुख्यमंत्री का बटोगे तो कटोगे वाला नारा तो देश में हर जगह ट्रेंडिंग में है। आज उन्होंने समाजवादी पार्टी का नाम लेकर एक और नया नारा दिया है। पश्चिम यूपी के मुजफ्फरनगर में आरएलडी प्रत्याशी के लिए जनसभा थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहुंचने से पहले सिर्फ एक ही नारे की चर्चा थी, वो था बटोगे तो कटोगे वाला नारा। योगी चुनाव मंच पर पहुंचे तो लोग मानकर चल रहे थे कि आज फिर यही नारा लगाकर विरोधियों पर हमला करेंगे, लेकिन योगी ने समाजवादी पार्टी को निशाने पर लेकर मंच से एक नया नारा दे दिया। जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई, जहां देखे सपाई वहां बिटिया घबराई। इस नारे के साथ योगी ने मुजफ्फरनगर को 2017 से पहले का अखिलेश राज याद दिलाया। 18 से 17 के बीच में एक नारा चलता था और वह नारा होता था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो बैठा है कोई। और बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव ने भी बिना देर किए जवाब दिया। सोशल मीडिया एक्स पर अखिलेश यादव ने लिखा, डरे हुए इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है उसकी नकारात्मक बातें। जिनके पास अपनी कोई उपलब्धि नहीं होती वो दूसरों की बात करते हैं। नकली मुस्कान असलियत नहीं छुपा सकती। अगर प्रतिशत में समझो तो 100 की 100 भाजपा उपचुनाव में हार रही है 9 की 9। सीएम योगी और अखिलेश की ये सियासी भिड़ंत पोस्टरों की शक्ल में पूरे यूपी में फैलते हुए योगी की गृह जिले गोरखपुर तक पहुंच गई।
बीजेपी के बटोगे तो कटोगे वाले पोस्टर के जवाब में शहर शहर समाजवादी पार्टी के जोड़ने वाले नारे नजर आने लगे हैं। किसके नारे में दम है ये 9 विधानसभा सीटों के नतीजों से ही पता चलेगा। यूपी में चुनावी लड़ाई सिर्फ 9 सीटों के लिए है, लेकिन सियासी खींचतान में आज 2025 के महाकुंभ को भी खींच लिया गया। प्रयागराज कुंभ को लेकर योगी सरकार का बजट 6000 करोड़ से ज्यादा का है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने आरोप लगा दिया है कि सरकार फिजूल पैसा फूंक रही है और महाकुंभ पर 41 अरब रुपए से ज्यादा का खर्च हो रहा है। विपक्ष ने खर्च को लेकर सरकार से सवाल पूछे हैं तो यूपी सरकार समाजवादी पार्टी के राज की कथित लूट खसोट को याद दिला रही है। और कल हमने आपको खबर दिखाई थी, महाराष्ट्र में कांग्रेस पर चुनाव में अर्बन नक्सलियों की मदद लेने के आरोप लग रहे हैं। अब ऐसा ही आरोप कांग्रेस पर वायनाड में भी लगा है कि प्रियंका गांधी को उपचुनाव जिताने के लिए वो केरल में जमाते इस्लामी की मदद ले रही हैं। अर्बन नक्सलियों वाला आरोप बीजेपी का था, लेकिन जमातियों की मदद लेने का आरोप खुद इंडिया अलायंस के पार्टनर लेफ्ट की ओर से लगाया गया है, वो भी केरल में लेफ्ट के सबसे बड़े नेता मुख्यमंत्री पी विजयन की ओर से यह आरोप लगाए गए। எல்லாவருக்கும் நமஸ்காரம். நீங்களுடைய நன்றி. வயநாடு से अपनी जीत पक्की करने के लिए प्रियंका गांधी पहले इमोशनल रिश्ता पक्का कर रही है, इसीलिए वायनाड के वोटर से मलयालम में संवाद कर रही है ताकि 13 नवंबर को वोट देते वक्त वोटर के मन में उन्हें लेकर अपनेपन की फीलिंग रहे। आई विल फाइट फॉर यू, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോരാടും. ഐ വിൽ കം ടു യുവർ ഹോംസ്. I will reach out to as many of you as possible. I will be part of your family, part of your sadness, part of your troubles, and part of your joy, part of your happiness. लेकिन वोटिंग से 5 दिन पहले केरल के सीएम पिनराई विजयन ने कांग्रेस को घेर लिया। विजयन ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सांप्रदायिक जमाते इस्लामी की चुनावी मदद ले रही है। एक सोशल मीडिया में विजयन ने सवालों की झड़ी लगा दी। लिखा, वायनाड में कांग्रेस की धार्मिक अराजकता पूरी तरह सामने आ चुकी है। वायनाड में प्रियंका गांधी को जमाते इस्लामी समर्थन दे रही है, कांग्रेस का स्टैंड क्या है? क्या ये संगठन लोकतंत्र में कहीं स्टैंड करता है? क्या कांग्रेस को हर तरह की सांप्रदायिक ताकतों का विरोध नहीं करना चाहिए? क्या कांग्रेस जमाते इस्लामी के वोट लेने से इनकार कर सकती है? केरल में कांग्रेस और लेफ्ट भले ही आमने सामने हो, लेकिन लेफ्ट इंडिया अलायंस में भी है। ऐसे में अपने ही सहयोगी दल के सवालों ने कांग्रेस के लिए अजीब स्थिति पैदा कर दी है। कांग्रेस बोले तो क्या बोले, जिसके ऊपर कई देश विरोधी गतिविधियां करने का, आतंकी गतिविधियां करने का आरोप है, उसका सहयोग लेने वाली प्रियंका वढेरा जी, उनका मूल चरित्र, मूल पहचान आज वायनाड के चुनाव में एक्सपोज हो चुका है। ये प्रियंका जी की लोकप्रियता है, गांधी परिवार की सेवाएं हैं कि वहां हम 4-5 लाख वोटों से जीत रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी, कायदे से तो आपको उम्मीदवार वहां नहीं खड़ा करना चाहिए था, क्योंकि हमारा सिटिंग सीट थी। पिनराई विजयन ने ऐसे वक्त जमात वाला दाव खेला है जब 3 दिन का ही चुनाव प्रचार बचा है। कांग्रेस की दिक्कत यह है कि चुनाव के एन वक्त अगर जमात से सियासी जुगलबंदी का बढ़ चढ़कर खंडन करती है तो कहीं मुस्लिम वोटर बुरा ना मान जाए। वायनाड लोकसभा सीट पर 46% मुस्लिम वोटर्स हैं, जबकि हिंदू मतदाताओं की आबादी 42% है। तीसरा बड़ा वोट बैंक ईसाइयों का है जो 12% है। यानी वायनाड में मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में है, जिसने मुख्य चुनाव में राहुल गांधी को एक तरफा जीत दिलाई थी। इसीलिए जब 2 दिन पहले प्रियंका ने अजान की आवाज सुनकर अपना भाषण रोका था तो वो जानती थी कि वायनाड में उनका कोर वोटर कौन है और उसे कैसे कनेक्ट करना है। 2019 लोकसभा चुनाव में वायनाड में राहुल को 65% वोट मिले थे, जबकि 2024 में राहुल को वायनाड में 60% वोट मिले। दोनों बार राहुल गांधी की सीधी टक्कर लेफ्ट उम्मीदवार से थी। एक राजनीतिक अटकल ये भी लगी कि कहीं विजयन का ये बयान प्रियंका को ही फायदा पहुंचाने की कोशिश तो नहीं। आसार कम है क्योंकि वायनाड में लेफ्ट ही कांग्रेस की टक्कर में है। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी उम्मीदवार है, बीजेपी ने नव्या हरिदास को मैदान में उतारा है, वहीं लेफ्ट से सत्यन मुकेरी ताल ठोक रहे हैं। ये भी संभव है कि कांग्रेस और जमाते इस्लामी को एक तराजू में तौल कर लेफ्ट खुद को कांग्रेस से बड़ा सेक्युलर बताने की ब्रांडिंग कर रहा हो, क्योंकि आगे 2026 का भी चुनाव है। अब आपको बताते हैं जमाते इस्लामी क्या है और किस तरह के आरोप इसके ऊपर लगते रहे हैं। जमाते इस्लामी 1942 में बना एक इस्लामी संगठन है। जमात का मुख्य एजेंडा इस्लामिक राज्य की स्थापना का है। विभाजन के बाद भी इसका झुकाव पाकिस्तान की ओर रहा था।
जमात पर 1975 और 1990 में 5-5 साल का प्रतिबंध लगा था। 1990 तक जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर तक सीमित था। 2019 में केंद्र ने इसे UAPA के तहत 5 साल के लिए बैन किया। इसी साल जमात पर प्रतिबंध 2029 तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। पिनराई विजयन ने हफ्ते भर पहले कोझिकोड में कहा था कि जमात इस्लामी के यमन में शिया चरमपंथियों और मिस्र में ब्रदरहुड से संबंध है और इस संगठन का फैलते जाना देश के लिए बेहद खतरनाक है। आगे बढ़ते हुए अब आपको लेकर चलते हैं झारखंड, जहां पर सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है। आज फिर सवाल उठा कि चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, बांग्लादेशी घुसपैठ या फिर ये क्या आदिवासियों को आदिवासी कहा जाए या फिर वनवासी। झारखंड के प्रचार में आज राहुल गांधी ने एंट्री ली और बीजेपी पर हमले शुरू कर दिए। बीजेपी कांग्रेस पर आदिवासियों से धोखे का आरोप लगा रही है, तो इसके जवाब में राहुल गांधी ने भी आज आरोपों की झड़ी लगा दी। वापस दो उद्योगपतियों तक जा पहुंचे। राहुल गांधी जिंदाबाद। झारखंड विधानसभा चुनाव में आज राहुल गांधी ने प्रचार अभियान शुरू कर दिया। 2 दिन के झारखंड दौरे पर राहुल गांधी सबसे पहले सिमडेगा पहुंचे। मंच पर संविधान की लाल किताब निकाली, जो इन दिनों फिर से चर्चा में है। इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। सिमडेगा की जनसभा में आए लोगों को राहुल गांधी ने 2 शब्दों का फर्क बताया, आदिवासी और वनवासी। राहुल गांधी ने बताया ऐसा क्यों है, एक ही समाज के लिए अलग अलग नामों का प्रयोग किस लिए होता है। वनवासी और आदिवासी में जमीन आसमान का फर्क है। आदिवासी का मतलब वो लोग जो इस धरती के, इस देश के पहले मालिक और पहले निवासी थे। हम आपको आदिवासी कहते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदुस्तान के पहले मालिक आप लोग थे। अब इन्होंने नया शब्द निकाला जो पहले अंग्रेज इस्तेमाल करते थे, वनवासी। वनवासी का मतलब आप जंगल में रहते हो। वनवासी का मतलब आपका कोई अधिकार नहीं है। अपने झारखंड दौरे के पहले दिन राहुल गांधी सिमडेगा के बाद लोहरदगा में जनसभा करने पहुंचे। राहुल गांधी ने कहा कि किसी भी क्षेत्र में आदिवासियों को भागीदारी नहीं मिल पा रही है। राहुल ने आरोप लगाया कि बीजेपी आदिवासियों से GST वसूल कर अडानी और अंबानी की जेब में डाल रही है। आपकी जमीन हो, जंगल हो, सबका सब आपसे छीन कर यही 10-15 इनके जो बड़े अरबपति हैं इनको मिल जाए। 16 लाख करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने 25 लोगों का कर्जा माफ किया है, उनमें आपको एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान के लोग, आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग, इनकी इस देश में भागीदारी नहीं है। जुडिशियल सिस्टम में नहीं है। मीडिया में आप दिखा दो मुझे, आप मुझे मीडिया में, नेशनल मीडिया में एक आदिवासी एंकर दिखा दो। झारखंड में राहुल गांधी के इन आरोपों पर बीजेपी का भी जवाब आ गया। झारखंड में प्रचार कर रहे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने पूछा। हिमंता ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और हेमंत सोरेन खुद आदिवासियों की दुर्दशा के जिम्मेदार हैं। राहुल गांधी को पूछना चाहिए कि कितना आदिवासी लड़का जुबा जुबाऊ को नौकरी मिला। आज झारखंड में आदिवासियों का जमीन घुसपैठिया लूट रहा है और घुसपैठियों को कौन संरक्षण दे रहा है? 1 नंबर हेमंत सोरेन, 2 नंबर राहुल गांधी। संविधान और दलितों, पिछड़ों की भागीदारी के मुद्दे के सहारे ही लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी बीजेपी को बहुमत से पहले ही रोक चुके हैं। अब इसी मुद्दे को JMM और कांग्रेस झारखंड में भी धार देने में लगी है। क्या राहुल गांधी वाला नैरेटिव झारखंड में भी काम करेगा या काट की हांडी साबित होगा, ये 23 नवम्बर को साफ हो जाएगा। झारखंड की सियासत भी हर गुजरते दिन के साथ बेहद दिलचस्प होती जा रही है। फिलहाल सियासी खबरों से अब बढ़ चलते हैं हम दूसरी खबरों की तरफ। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ रिटायर होने जा रहे हैं। 2 साल के कार्यकाल में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कई बड़े फैसले दिए। कार्यकाल के आखिरी दिनों में चंद्रचूड़ सोशल मीडिया ट्रोलर्स के पसंद भी बने। सुनिए अपने फेयरवेल पर आज उन्होंने कौन सा शेर सुनाया है। तस्वीरें देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के फेयरवेल की है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से ये विदाई समारोह रखा गया था। इससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की कुर्सी पर वो आखिरी बार दिखे। कुर्सी से हटते ही उन्होंने झुककर वहां मौजूद जज और वकीलों का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान वो भावुक भी नजर आए।
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन में मौजूद कार्यक्रम में उनकी भावनाएं भी जुबा पर आ गई। बचपन से लेकर जिंदगी के कई पड़ावों को याद किया और आखिर में बशीर बद्र के शेर के साथ ट्रोलर्स पर चुटकी भी ली। मुखालिफ से मेरी शख्सियत संवरती है, मुखालिफ से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। 8 साल पहले जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने बतौर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस कदम रखा था और 2 साल पहले वो देश के मुख्य न्यायाधीश बने। सुप्रीम कोर्ट में 8 साल के कार्यकाल में उन्होंने कई अहम मामलों की सुनवाई की। 2017 में निजता को मौलिक अधिकार मामले की सुनवाई में शामिल रहे। 2018 में सबरीमाला मंदिर मामले में फैसला सुनाया। 2018 में ही समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का फैसला सुनाया। 2019 में अयोध्या विवाद पर आखिरी फैसला सुनाने वाली पीठ में शामिल थे। 2023 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती वाली याचिका को खारिज किया। 2024 चुनावी बॉन्ड योजना की संवैधानिकता को निरस्त किया। 2024 में ही SC/ST श्रेणियों के भीतर उपवर्गीकरण मामले की सुनवाई की। आज कार्यालय के आखिरी दिन जस्टिस चंद्रचूड़ AMU पर बड़ा फैसला सुना गए। इस गणेशोत्सव के दौरान चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ विपक्ष के निशाने पर आ गए थे जब उन्होंने PM मोदी को पूजा का न्योता दिया था। ये आरोप राजनीति से प्रेरित रहे क्योंकि चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के कई फैसले केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ भी रहे, जिनकी विपक्ष ने कई मौकों पर तारीफ की। अपने महत्वपूर्ण फैसलों के लिए चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ याद किए जाएंगे। CGI के 2 साल बेहद दमदार। फिलहाल आगे बढ़ेंगे हम, दूसरी खबरों का रुख करेंगे, बात डोनाल्ड ट्रंप की करते हैं। हमने आपको कल बताया था कि ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने से दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है और आज ही इसमें बड़ा अपडेट हुआ है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी ट्रंप को जीत की बधाई दे रहे हैं। दुनिया के 2 सबसे बड़े प्रतिद्वंदी अब धीरे धीरे दोस्ती की राह पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पुतिन की बधाई को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे वो दुनिया को बता रहे हों कि ट्रंप से उनके अच्छे संबंध हैं और उन्हें उनसे कोई दिक्कत नहीं है। बात अगर बधाई तक रुकती तो खबर भी वहीं रुक जाती, लेकिन अमेरिका के दुश्मन नंबर 1 पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप की तारीफों के कसीदे पढ़ दिए। इस रिपोर्ट में पुतिन और ट्रंप की केमिस्ट्री देखें, फिर हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि ट्रंप की जीत के बाद नाटो पर क्या असर पड़ने जा रहा है। ट्रंप साहसी व्यक्ति हैं, उन्हें राष्ट्रपति बनने की बधाई। उनका अपमान हुआ था, उनकी बातें सुननी चाहिए। ये वो शब्द हैं जो पुतिन ने अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए कहे हैं। Can tell you that his behavior when there was an attempt on his life, you know, I was impressed. He is a courageous person. He was harassed by everyone on all sides, bullied. ट्रंप ने जब अपने चुनाव प्रचार में कहा था कि वो एक दिन में रूस यूक्रेन की जंग खत्म कर देंगे। And I'll stop that war, mark my words. I'll stop that war. In 24 hours. तब जेलेंस्की ने ट्रंप की बातों को सीरियसली नहीं लिया था, जबकि पुतिन ने परिपक्वता दिखाई थी। पुतिन ने 4 महीने पहले कहा था, अगर ट्रंप जंग रुकवाना चाहते हैं, तो हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। We take that very seriously. I haven't seen his ideas on how exactly he's going to do that, and that is the key question. But I have no doubt that he says that sincerely, and we support that. अब जबकि ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव जीत गए हैं तो पुतिन उनकी तारीफ कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि अमेरिका के नतीजों से जेलेंस्की के तोते उड़ गए हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि ट्रंप उन्हें वैसी मदद तो नहीं करने वाले जैसे बाइडेन करते थे। वैसे ट्रंप के आने से सिर्फ जेलेंस्की बैकफुट पर नहीं है, भारत के खिलाफ बोलने वाले ट्रूडो भी जहर का घूंट पी रहे हैं। ट्रूडो को पता है कि ट्रंप बाइडेन की तरह सपोर्ट नहीं करेंगे। अब तो ट्रंप के पक्के दोस्त एलन मस्क ने भी ट्रूडो की विदाई की कर दी है भविष्यवाणी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर ने एलन मस्क से कहा कि कनाडा में ट्रूडो की सरकार से मुक्ति के लिए उन्हें उनकी जरूरत है। इसके जवाब में मस्क ने कहा कि अगले चुनाव में ट्रूडो हार जाएंगे। ट्रंप और एलन मस्क इन दिनों साथ साथ हैं, तो क्या यह मान लिया जाए कि जो एलन मस्क ने बोला है वो असल में ट्रंप के शब्द हैं? एलन मस्क को ट्रूडो का आलोचक माना जाता है। ट्रूडो पर एलन मस्क के विचार वही हैं जो भारत के हैं। वो ये हैं कि कनाडा में बोलने की आजादी के नाम पर ट्रूडो अपना अलग ही एजेंडा चला रहे हैं। आज ट्रूडो के उसी एजेंडे का फिर से पर्दाफाश हुआ है। कनाडा में हिंदू मंदिर पर हुए हमले में वहां की पुलिस ने उन हिंदुओं को ही गिरफ्तार कर लिया जिन पर खालिस्तानियों ने अटैक किया था।
कनाडा में हिंदुओं को खालिस्तानियों की लाठी खानी पड़ी और अब हिंदू ही कनाडा की पुलिस के निशाने पर आ गए हैं। 4 नवंबर को ब्रैम्पटन के मंदिर में हुए हमले के केस में कनाडा की पुलिस ट्रूडो सरकार के खालिस्तान समर्थित एजेंडे को साधती दिखी। भड़काऊ तो खालिस्तानियों के वो डंडे भी थे जो हिंदुओं को पड़े, लेकिन कनाडा की पुलिस को दिखे वो पुजारी जो हिंदुओं को एक रहने की हिदायत दे रहे थे। अब एक तरफा कार्रवाई करते हुए कनाडा की पुलिस ने 3 हिंदुओं को गिरफ्तार कर लिया है, उनके साथ मंदिर के पुजारी को भी सस्पेंड कर दिया। तो ये है कनाडा का फ्री स्पीच का जुमला, जहां खालिस्तानी गुर्गे हिंदुओं को मारकर चले गए और अब कनाडा की पुलिस भी हिंदुओं को ही परेशान कर रही है। Following the demonstrations, several videos began to circulate online, which captured several offenses taking place, including a video of an individual using a loudspeaker inciting violence and hate. हिंदुओं का दमन सिर्फ कनाडा ही नहीं, पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी चल रहा है। खबरें हैं कि चटगांव में बांग्लादेश की सेना वहां के हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ कर उन्हें मार रही है। ये पूरा विवाद एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद फैला था। हिंदुओं से मारपीट पर भारत सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई है। चटगांव में भड़काऊ बातें की गई सोशल मीडिया पे, वो भड़काऊ बातें हिंदू समुदाय के लेके थी, उसके कारण वहाँ पर झगड़ा हुआ। वहाँ पर हमारे वहाँ पर जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उन पर अटैक हुआ। इन सब चीज़ों के पीछे जो एक्सट्रीमिस्ट उग्रवादी उस टाइप के लोग हैं, आग्रह है और वहाँ के सरकार से कि वो कदम उठाए। कनाडा और बांग्लादेश की सरकारें चाहे कितनी भी लोकतंत्र की दुहाई दे दें, लेकिन आज का सच यही है कि इन दोनों जगहों पर हिंदू वाकई खतरे में हैं। बात सलमान खान की करेंगे। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को अब भी धमकियां आ रही हैं। ताजा धमकी सलमान की आने वाली मूवी सिकंदर के एक गाने को लेकर दी गई है। बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद सलमान खान को लगातार धमकियां मिल रही हैं। ताजा धमकी में एक गाने का जिक्र किया गया है। गाने के बोल हैं, मैं सिकंदर हूँ। धमकी देने वाले ने कहा है कि इस गाने को जिसने लिखा है हम उस तक पहुँच गए हैं, और साथ में ये भी लिखा है कि सलमान खान के जितने भी करीबी हैं हम उन तक कभी भी पहुंच सकते हैं। सलमान खान को मिली धमकी पर आरोपी को कर्नाटक से गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी ओर 4 तारीख को धमकी देने वाले भिखाराम बिश्नोई को भी कर्नाटक से ही गिरफ्तार किया गया। जब पुलिस ने उसे पूछताछ की तो उसके जवाब चौंकाने वाले थे। आरोपी भिखाराम बिश्नोई ने कहा है कि लॉरेंस उसका आइडल है। भिखाराम हर दिन लॉरेंस बिश्नोई के वीडियोज देखता है। उसके मुताबिक जेल में रहते हुए भी लॉरेंस अपने समाज के लिए जो कर रहा है उस पर उसे गर्व है। उसने बताया कि जो पैसे वो सलमान से फिरौती में लेता उसे बिश्नोई समाज के मंदिर में चढ़ाता। उसके मुताबिक सलमान खान ने जीवन में कई गलतियां की लेकिन कभी भी माफी नहीं मांगी, और अंत में वो कहता है कि उसे जेल जाने का कोई गम नहीं है, वो अपने बिश्नोई समाज के लिए जेल जा रहा है। भिखाराम को फिलहाल मुंबई पुलिस की हिरासत में रखा गया है। इस बीच जान के खतरे के बावजूद सलमान ने शूटिंग नहीं रोकी, वह हैदराबाद में सिकंदर की शूटिंग कर रहे हैं। हालांकि सलमान की फिल्मों के सेट पर अब किसी जेल जैसी कड़ी सुरक्षा है। और अब हमारी अगली खबर महिलाओं के लिए है। यूपी की महिलाएं इसे ज्यादा ध्यान से देखें, यूपी के लेडीज टेलर और भी गौर से देखें। मास्टर जी वी नेक नहीं राउंड नेक रखना, मास्टर जी बाजू हाफ नहीं कोहनी तक रखना, मास्टर जी आप तो लेंथ 1 इंच ज्यादा रखो। यूपी में लेडीज टेलर को हिदायत है कि महिलाओं की ये सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करें, लेकिन भूल कर भी इंच टेप लेकर उनका नाप नहीं लें। नाप लेने के लिए दुकान पर एक लेडी स्टाफ रखें, वही नाप लेगी। ऐसा नहीं किया तो मास्टर जी नाप दिए जाएंगे, क्योंकि लेडीज टेलर के लिए ये गाइडलाइन यूपी के राज्य महिला आयोग ने जारी की है। जिसकी मर्जी हो वो लड़कों से कराए, लेकिन उनको ये अपनी स्वेच्छा से मैं करा रही हूँ ये ऐसा लिख के देना होगा, या अपनी स्वेच्छा से मैं ये एक्सरसाइज किसी लड़के की ट्रेनिंग में कर रही हूँ ये उनको लिख के देना होगा, जिसके लिए हमारा शासन या हमारा प्रशासन जिम्मेदार ना हो। यूपी में महिलाओं की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए महिला आयोग की गाइडलाइन में और भी कई निर्देश हैं।
जैसे बुटीक में नाप लेने के दौरान सीसीटीवी हो, जिम और योगा सेंटर में महिला ट्रेनर हो, जिम में आईडी से एंट्री हो, सीसीटीवी कैमरे हो, स्कूल बस में महिला गार्ड या टीचर हो, डांस ट्रेनिंग सेंटर में भी महिला ट्रेनर हो और लेडीज के स्टोर में महिला कर्मचारी हो। अब आपको सुनना चाहिए कि इस फैसले को यूपी की महिलाएं किस नजरिए से देख रही हैं। कुछ कुछ लोगों का इंटेंशन हो सकता है कि वो थोड़ा मतलब गलत तरीके से टच करे, बट सब लोग ऐसे नहीं होते, तो इसमें बहुत ऑब्जेक्शन मुझे तो नहीं है। मगर हर जगह इसे फोर्सफुली हम नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी चॉइस है, कॉन्स्टिट्यूशन से हमें अपना राइट मिला है। हमारी चॉइस होनी चाहिए कि हम मेल्स के पास जाएं या हम फीमेल के पास जाएं। कुछ पर्सनल क्वेश्चन होते हैं जो जिसके जवाब एक फीमेल ट्रेनर ही दे पाती है। मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम भी तो जेंट्स बोलते हैं कि जेंट्स ज्यादा अच्छा सिलते हैं, बट अगर लिया है तो कुछ अच्छे के लिए लिया होगा उन्होंने। इसके बाद यूपी महिला आयोग के फैसले पर प्रतिक्रिया लेने एबीपी न्यूज कुछ पुरुष ट्रेलरों के पास पहुंचा। अब उनकी दुविधा सुनिए। काम कौन करेगा, हम क्या लेडीज रखेंगे? पहले हमारा कारोबार वैसे ही ठप्प है। कटिंग हम करेंगे तो मेजरमेंट हमें ही लेना पड़ेगा, बात ये है, नहीं तो ऐसे काम होगा ही नहीं। इतने बड़े बड़े डिजाइनर हैं, उनके यहाँ भी तो जेंट्स पुरुष ही नाप लेते हैं, लेडीज नाप नहीं लेती। अगर हम लोग लेडीज को तनख्वाह पे रखेंगे, उसकी तनख्वाह निकालेंगे कहाँ से नाप लेने के लिए। हालांकि महिला आयोग की नज़र में उनके फैसले का एक और पॉजिटिव एंगल भी है, वो ये कि महिलाओं की सुरक्षा बढ़ने के साथ ही साथ उनके लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। वैसे लड़कियों को, महिलाओं को, बेटियों को खुद आजादी होनी चाहिए कि वो ये तय करें कि वो किसी भी पुरुष टेलर के पास जाकर अपने कपड़े सिलवाती हैं या फिर नहीं। लेकिन राज्य महिला आयोग का ये फैसला, बहुत सारे सवाल भी इसको लेकर खड़े हो रहे हैं। इसी के साथ जनहित में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज, जो आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।